धीरे धीरे आप पिछले 2 दिनों का बयान देखिएगा तो सभी थोड़ा नरम पड़े हैं कि अगर नीतीश कुमार को अगर जो INDIA अलायंस है जी जी अगर वह नेता नहीं बनाया, या मतलब लीड रोल में कहें तो नेता तो है ही कोई मगर बड़ी एक, पद नहीं हाँ, पद अगर या दायित्व में नहीं लाया गया जी। तो फिर उनका कह सकते हैं कि फैसला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि 2017 में सबको याद होगा कल तक कुछ और कह रहे थे और परसों जाकर के शायद शाम को इस्तीफा हुआ, सुबह शपथ हो गया। 2022 में भी वही हुआ, 5 साल लगभग भाजपा के साथ रह पाए, मगर इस बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने उन्हें यह आशा दिलाया था और अभी जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने ही उन्हें संयोजक नहीं बनने में भूमिका निभाई है। पहले देखिए, पहले सभी नेता एक जगह इकट्ठे होकर सशरीर जाते थे, अब वर्चुअल हो रही है, तो इसका मतलब अब जब तक प्रेस विज्ञप्ति की तरफ से कागज नहीं आ जाएगा तब तक नहीं कह नहीं कह सकते, सकते मगर नहीं। अभी कहा जा सकता है कि उनका मोह भंग होता हुआ ना भाजपा की तरफ से भी उनको क्या उसको कहते हैं कि ठोक ठोका के पकिया जा रहा है कि किधर रहेंगे नहीं जी रहेंगे। बिल्कुल, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी जगह दिया जाएगा बीजेपी में, एनडीए में? तो जैसे भाजपा है वह अब इस बात पर ध्यान देगी कि जो हमारे पिछले घटक दल के साथी थे उन्हें कैसे मैनेज किया जाए या रोका जाए या क्या बातें हैं, अब उन बिंदुओं पर अब चर्चा हो रही है। घटक दल गठबंधन के दल क्यों छोड़कर गए और कुछ लोग क्यों आए और कुछ लोग, ये तमाम चीजों के लिए उसका अपना एक संगठनिक प्रक्रिया है, उसमें ये बातें मतलब सामने आई है कि आखिर जो छोड़कर गए हैं उनको कैसे साथ लाया जाए, क्योंकि यह स्टेट का चुनाव है नहीं, जी लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही जी है बिल्कुल जो जदयू ही नीतीश है, तो नीतीश कुमार के नीचे सभी नेता मतलब कि आने के लिए राजी हो जाते हैं, ललन सिंह के नीचे सभी नेता आने के लिए राजी नहीं होंगे। भाजपा एनी टाइम पिछले 10 साल से आप देखेंगे तो वो चुनाव के ही मोड में है। जी देखिए, बात जब राजनीति की हो तो बिहार की राजनीति हमेशा से खौलती रहती है और एक पहलू जो है हमेशा बिहार की राजनीति में बना ही रहता है। और जो बिहार के चाणक्य जिसे नीतीश कुमार का नाम दिया जाता है वो भी अब बिहार के एक पहलू बने हुए हैं, तो क्या इस बार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मारेंगे पलटी? इन तमाम सभी मुद्दाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब बैठे हैं रविकांत जी। तो नमस्कार रविकांत जी, स्वागत है आपका। देखिए, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति जो है थोड़ी गरमाई भी लग रही है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी का जो पहलू बना हुआ है इस पर क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार इतना बैलेंसिंग फैक्टर वाले नेता हैं और पिछले 10 साल से जिस प्रकार से उनकी राजनीति रही है जी, तो हर किसी को ये आशा रहता है जो उनके विपक्ष में होता है जी कि ये अब उबेंगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो एक बार अपना पाला बदलते हैं। तो अब उसी आशा में कह सकते हैं कि भाजपा कितना भी कर ले उसके जो शीर्ष नेतृत्व है वो नकार रही है, अभी तक नकार रही थी, मगर अब धीरे धीरे आप पिछले 2 दिनों का बयान देखिएगा तो सभी थोड़ा नरम पड़े हैं कि अगर नीतीश कुमार को अगर जो INDIA अलायंस है अगर वह नेता नहीं बनाया या मतलब लीड रोल में कहें तो नेता तो है ही मगर बड़ी पद नहीं, हाँ, पद अगर या दायित्व में नहीं लाया गया जी, तो फिर उनका कह सकते हैं कि फैसला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जो आरोप लग रहा था उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए ललन सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह, तो उन्होंने हवाला दिया कि हम MP के चुनाव लड़ेंगे सांसद का इसीलिए व्यस्तता के कारण, मगर बातें तो कुछ और थी। उन पर यह काफी गंभीर आरोप भाजपा के नेता लगाए थे और भी सभी जगहों से उन पर आरोप लग रहा था कि RJD के तरफ जा रहे हैं जी। तो इस बात को रोकने के लिए और इन सभी चर्चाओं और बातों को रोकने के लिए नीतीश कुमार खुद उनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया और सर्वे सर्वा जदयू के बने, तो अब इसी बात से पूरा माहौल कह सकते हैं कि सियासत का अफरा तफरी मचा हुआ कि नीतीश जी कहीं भाजपा के तरफ NDA के तरफ जी। ये भी सुनने में आया है कि मकर संक्रांति के बाद भी नीतीश कुमार कोई नया कदम उठा सकते हैं जी। जी तो वह उठाते ही रहे, जो उनका 2017 में सबको याद होगा कल तक कुछ और कह रहे थे और परसों जाकर के शायद शाम को इस्तीफा हुआ, सुबह शपथ हो गया। 2022 में भी वही हुआ, 5 साल लगभग भाजपा के साथ रह पाए, मगर इस बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने उन्हें यह आशा दिलाया था और अभी जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने ही उन्हें संयोजक नहीं बनने में भूमिका निभाई है, तो अभी जो वर्चुअल बैठक जो होने वाली थी, और पहले देखिए, पहले सभी नेता एक जगह इकट्ठे होकर सशरीर जाते थे, अब वर्चुअल हो रही है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि मोह भंग होता हुआ भी इस पर अब जब तक प्रेस विज्ञप्ति की तरफ से कागज नहीं आ जाएगा तब तक नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, मगर अभी कहा जा सकता है कि उनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। और अब उनके लिए क्या रह गया,
वो जिस तरफ है मुख्यमंत्री, वो इधर भी थे, उधर भी हैं और आगे भी रहने की संभावना बनती है। अब उस पर भाजपा की तरफ से भी उनको क्या उसको कहते हैं कि ठोक ठोटा के पकियाया जा रहा है कि किधर रहेंगे नहीं रहेंगे, और इधर से भी जी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बयान भी आ रहा है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगा उसे कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी जगह दिया जाएगा बीजेपी में, एनडीए में? तो जैसे भाजपा है वह अब इस बात पर ध्यान देगी कि जो हमारे पिछले घटक दल के साथी थे जी, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए या रोका जाए या क्या बातें हैं। अब उन बिंदुओं पर अब चर्चा हो रही है कि हमें गठबंधन के दल क्यों छोड़कर गए और कुछ लोग क्यों आए और कुछ लोग, ये तमाम चीजों के लिए उसका अपना एक संगठनिक प्रक्रिया है। उसमें ये बातें मतलब सामने आई है कि आखिर जो छोड़ कर गए हैं उनको कैसे साथ लाया जाए, क्योंकि यह स्टेट का चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। जो उसका अपना एजेंडा है और उसकी विचारधारा है उस पर वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब जो भी जो उनके प्रवक्ता की तरफ से ऑथेंटिकल बयान कर सकते हैं जो आया है कि जो भी नरेंद्र मोदी को नेता मानेगा, प्रधानमंत्री के लिए कैंपेनिंग करेंगे और जो भी नरेंद्र मोदी को साथ देंगे उनके साथ हम मतलब उनको साथ लेना चाहेंगे, यही बात है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब एनडीए में फिर से नया एक पलटी मारेंगे, एनडीए में फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब वो अलग हुए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं लोग का यही बयान है कि ललन सिंह जो मुख्य भूमिका निभाए थे उनको अलग करने में, वो क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह को वो देखना नहीं चाहते थे, नीतीश कुमार जी के अखाड़ा में खड़ा करना चाहते थे आरसीपी सिंह को। तो ललन सिंह क्या इस बार फिर से कुछ नया खेल खेलेंगे? देखिए ललन सिंह और सीपी सिंह का बात निकला है तो वो मैटर था मंत्रालय को लेकर। जी जी मंत्रालय तो एक 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 मंत्री बन जाते हैं, दोनों उसी कद के नेता थे, दोनों ही नीतीश कुमार के काफी विश्वस्त लोगों में थे, काफी करीबी थे और दोनों ही पार्टी में कह सकते हैं कि एक बराबरी का रखते थे। तो वो वर्चस्व की लड़ाई थी कि वो मंत्री बन गया तो अब उसको कैसे अपदस्त करें। तो कहा जाता है कि उसी मंत्रालय नहीं बनने के कारण ललन सिंह ने पार्टी में माहौल बदला और माहौल इतना बदल दिया कि पार्टी ही इधर से उधर हो गई, मतलब वो घटक दल ही टूट गया उनके साथ। अब तो जदयू भी लग रहा है मतलब बिखरता हुआ नजर आ रहा है जदयू भी, बीजेपी के बहुत सारे नेता भी लोग बोल रहे हैं। और इस बार जो नया खेला होने वाला है जदयू बीजेपी को लेकर या बिहार के चुनाव में अगर बात करें तो ललन सिंह की क्या भूमिका रहेगी? और ललन सिंह थोड़ा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं मीडिया वालों पे, नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं और भी बहुत चीजें उठ के आ रही है। ललन सिंह आक्रोशित नजर आ रहा है, ललन सिंह कुछ भी नजर आया, जब तक नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही जदयू हैं और जदयू ही नीतीश हैं, तो नीतीश कुमार के नीचे सभी नेता मतलब कि आने के लिए राजी हो जाते हैं। ललन सिंह के नीचे सभी नेता आने के लिए राजी नहीं होंगे या उनके नेतृत्व को लेकर भी कई जो प्रश्न चिन्ह हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष बने तो उनके नीचे वाले नेताओं से जब भी आप बाइट लेंगे बात करेंगे तो वो सब भी खुश नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर कोई विद्रोह नहीं कर सकता है जदयू में, नीतीश कुमार के मतलब विद्रोह मतलब की पार्टी से बाहर। जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे नेता तो नीतीश के फैसले को रोक ही नहीं पाए, तो ये बात उठती है कि ललन सिंह कैसे रोक लेंगे नीतीश कुमार के कद को, नीतीश कुमार के राजनीति के मतलब कि उनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। और एक बात यह भी रही कि ललन सिंह उतना बड़ा मैटर नहीं है, जिधर नीतीश जाएंगे ललन सिंह की जाना मजबूरी है और बहुत होगा, तो वो अब ये बातें कहना कितना सही है गलत है वो ये समय पर निर्भर है। मगर वो लालू प्रसाद यादव की तरफ भी रह सकते हैं, जैसे शरद यादव के मामले में हुआ था कि वह जब भाजपा के साथ घटक दल में साथ थे तब तक नीतीश के साथ थे, मगर जब नीतीश पलटी मारते हैं भाजपा के साथ जब सत्र में जाते हैं तो शरद यादव उसी खेमे में नेतृत्व मतलब बोलते हुए नजर आ जाते हैं। तो ललन सिंह की भी स्थिति वैसी ही होगी, मगर ललन सिंह काफी तेज तरार और सूझबूझ वाले नेता हैं और उनको मैनेजर मैनेजमेंट का भी और होम्योपैथी की इलाज जैसे कई नामकरण दिया गया है किया गया है, तो वो अपना नफा नुकसान देखते हुए वो सही हिसाब से कदम प्रतिष्ठा के हिसाब से ही वो बने। देखिए ललन सिंह तो समझदार व्यक्ति हैं, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही नीतीश जी के साथ ही रहेंगे और पिछले कई बयानों में उन्हें बोला भी है कि उनकी जो व्यवहारिकता है, उनकी जो संबंध है 30 सालों से बना हुआ है नीतीश कुमार जी के साथ। परंतु रवि जी अब ये बीजेपी के अगर हम सवाल उठाएं बात करें तो बिहार में रैली हो रही है, यात्रा हो रहे हैं, लवकुश यात्रा कल ही करवाया गया है बीजेपी के द्वारा जिसमें सम्राट अशोक चौधरी जी भी मौजूद थे। क्या लगता है ये यात्रा को लेकर बीजेपी को एक बड़ा फायदा होने वाला है? जी
ये दोनों से इससे अलग टॉपिक एक हो जाता है लवकुश समीकरण। देखिए भाजपा एनी टाइम पिछले 10 साल से आप देखेंगे तो वो चुनाव के ही मोड में जी, प्रत्येक दिन 4-5 बैठक, प्रत्येक दिन इधर से उधर भाग दौड़ी, ये आयोजन, ये चीजें, कभी ये जयंती, कभी ये पुण्यतिथि, मतलब कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय रखा जाए जी। जैसे ये राम मंदिर का ये अभियान चल रहा है तो उसकी पार्टी संगठन पूरा जोर शोर से लगा हुआ है जी, जो भी उसकी प्रक्रियाएं हो रही है, जो भी तमाम चीजें हो रही है, वो सभी पार्टियों से ज्यादा सक्रिय नजर आपको आएगी। तो ये लवकुश समीकरण अगर हो रहा है तो कोई इस पे कहा जा सकता है कि भाजपा चुनावी मोड में है और फाइट करने के लिए पूरा एकदम तैयार है। उसके सामने तमाम सभी विपक्षी दल, जैसे नीतीश जी बोले थे कि सभी विपक्षी दलों का एक विपक्ष का उम्मीदवार हो, ये बातें उन्होंने कही थी, पर अब उस पर अमल अगर कर लेगी वो तो भाजपा की कुछ सीटों के लिए तो नुकसान जरूर ही डैमेज कर देगी नीतीश के, अगर उस फॉर्मूले की बात करें। मगर वो ऐसा नहीं होगा तो भाजपा अपना तैयारी में लगी हुई है कि भाई कैसे इसको अब दस्त किया जाए, इस गठबंधन को और ऐसी तमाम चीजें। तो सुना आपने रवि जी ने क्या बताया कि कैसे ललन सिंह हो या नीतीश कुमार जी हो या फिर बीजेपी हो चुनाव को लेकर एक बड़ी जो कदम उठाने वाली है और क्या होगा ये फिर मीटिंग के बाद देखेंगे। अभी मीटिंग में नीतीश कुमार जी भी वर्चुअल मीटिंग में रहेंगे और क्या फैसला होगा उसके बाद, जो नीतीश कुमार जी का जो फैसला होगा फिर से आपके साथ फैसला होगा कुछ। अगर फैसला अगर नीतीश के पक्ष में नहीं हुआ तो ज्यादा आशा है कि नीतीश जी मतलब कि जल्द ही 1-2 सप्ताह वो औपचारिकता भर ये उधर रह जाएंगे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो इतना ही है कि नीतीश कुमार जी को अगर कोई बड़ा पद नहीं मिला रवि जी तो वो उनका जाना तय है, ये तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, यही पता चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।